अभी ये थोड़ा पसीने पसीने लग रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं आप? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि इस हॉस्टल के रिव्यू दीजिए एक दो लाइन में, तो क्या कहना चाहिएगा? अभी आप लोग का रेस्ट टाइम चल रहा है क्या? क्योंकि ज्यादातर लग रहा है लोग रेस्ट ही कर रहे हैं। तो बहुत लोगों की ना रिक्वायरमेंट होती है कि कोई अच्छी सी बॉयज हॉस्टल हम लोग को बताइए पटना में, ठीक है? ऐसे तो गर्ल्स हॉस्टल की भी रहती है, तो वो वीडियोस तो आती रहेगी, बट अभी ना एक बहुत ही अच्छा से वीडियो लेकर आए हैं बॉयज लोगों के लिए। एक हॉस्टल में हम लोग आए हुए, अगर उसके नाम की बात करें ना, तो SKPG बॉयज हॉस्टल इसका नाम है, और ये पड़ता है हमारा बुद्धा कॉलोनी में। वैसे पूरी की पूरी डिटेल ना आपकी डिस्क्रिप्शन में रहेगी, तो आप लोग जाइएगा और वहां से देख लीजिएगा। तो अभी ना हम लोग अंदर जाएंगे, और जिस तरीके से पहले हम लोग वीडियोस बनाते थे ना कि लाइक अंदर जाते थे, रिव्यूज लेते थे वहां के स्टूडेंट से, तो यहां भी हम लोग वही चीज करेंगे। उससे पहले हेलो नमस्कार, मैं सुकृति पांडे, और मेरे चैनल सुकृति पांडे पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है ना। तो एंट्री के साथ हम लोग को इधर मेस मिल जाती है, और आप यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हो कि आरओ का वाटर वगैरह सब कुछ है, ठीक है? एंड इस तरफ हमारा मेस एरिया है जहाँ पर खाना वगैरह बनता है, ठीक है? लोग बैठ कर आराम से खा सकते हैं, खाने के लिए तो रूम में भी खा सकते हैं ये लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन एक व्यवस्था यहाँ पर दी गई है कि लाइक आप लोग बैठ कर आराम से खाना पीना खा सकते हो ना। ऊपर जाएंगे हम लोग, बातचीत करेंगे, बट उससे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि थोड़ा ऑफिस में जाते हैं, ओनर जो है उनसे हम लोग बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि परमिशन भी लेना चाहिए ना, ऐसी तो जाना सही नहीं है। नमस्ते। 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 क्या नाम हुआ आपका? रेनू सिंह। तो आज आपके हॉस्टल में हम लोग रिव्यू लेने के लिए आए हुए हैं कि जैसे क्या क्या फैसिलिटीज वगैरह है, तो हम लोग जा सकते हैं क्या ऊपर? हाँ, एकदम जाकर देख सकती हैं। वैसे कितना टाइम हो गया आपको ये हॉस्टल ओपन किए हुए? 2013 से। 2013 से आप? तो आपका बॉयज और गर्ल्स दोनों हॉस्टल है क्या? दोनों ही है, बॉयज और गर्ल्स दोनों ही, दोनों चीज है। तो अभी हम लोग जाए क्या, ले लें रिव्यू ऊपर? हाँ हाँ, एकदम जाइए। ओके, थैंक यू। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शुभम सिंह हुआ। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? हम पिछले साल मई में एडमिशन लिए थे। अच्छा, मई में ही एडमिशन लिए थे। किस चीज की तैयारी चल रही है आपकी? नीट की। नीट की तैयारी चल रही है। थोड़ा बहुत ना रिव्यू दीजिए ना, हॉस्टल कैसा है ये? देखिए, हॉस्टल देखा जाए तो एकदम फैमिली की तरह है, मैडम है एकदम, हम लोग अपने बच्चे की तरह रखती है। अच्छा। खाना पीना भी सही है, साफ सफाई भी एकदम घर की तरह, वही जो मेस में खाना बनता है वही मैडम लोग भी खाती है। अच्छा, वही वो लोग भी खाती हैं। इसलिए साफ सफाई भी है, फैसिलिटी भी सही है, और ध्यान भी देते हैं सर। तो मतलब कि अगर कोई बच्चे यहाँ पर आना चाहते होंगे, एडमिशन लेना चाहते होंगे हॉस्टल के लिए, तो आप क्या उनको कहना चाहेंगे आने के लिए? सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट आना चाहिए। बिल्कुल। ओके, थैंक यू। ये ना दोपहर की टाइम है, ये लोग थोड़ा बहुत खा पी कर ना रेस्ट करें, क्योंकि शाम में इन लोगों की क्लासेस होती है, और हम क्या है कि जा रहे हैं लोगों से बात करते जा रहे हैं। ऐसे डिस्टर्ब करना सही नहीं लग रहा है, बिकॉज सभी लोग अभी रेस्ट कर रहे हैं, अभी मतलब कुछ बहुत का क्लास चल रहा है, कुछ लोग अभी रेस्ट कर रहे हैं। हेलो, क्या नाम हुआ आपका? फिर से विराज। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? 6-7 महीना से रह रहे हैं। 6-7 महीने से आप रह रहे हैं। रिव्यू क्या है आपका? जेन्युइन रिव्यू हमको चाहिए, बताइए। जेन्युइन रिव्यू मतलब अच्छा है। अच्छा, खाना पीना सब कुछ? सब ठीक है। सब ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू। अभी आप लोग का रेस्ट टाइम चल रहा है क्या? क्योंकि ज्यादातर लग रहा है लोग रेस्ट ही कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, सभी लोग अभी कोचिंग से आ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रत्युष। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? 3-4 महीने से। 3-4 महीने से रह रहे हैं। रिव्यू क्या है आपका इस हॉस्टल को लेकर? काइंड ऑफ ओके। ओके, ठीक है। थोड़ा बहुत बता दीजिए ना कि लाइक खाना पीना कैसे मिलता है, कितने टाइम मिलता है? तीनों टाइम मिलता है। तीनों टाइम मिलता है, हाँ। फूड क्वालिटी? ओके, इस काइंड ऑफ ओके। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश। कहाँ के रहने वाले हैं वैसे? बेतिया से। यहाँ पर कितने टाइम से रह रहे हैं? अप्रैल से। अच्छा, वैसे तो जनरली हम लोग खाना पीना के बारे में पूछ लिए सभी लोगों से, सब बोल रहे हैं ठीक है। आप थोड़ा आरओ वाईफाई वगैरह के बारे में बताइएगा क्या? आरओ है नीचे, और वाईफाई भी है, तो वाईफाई है मतलब चलता है ना वाईफाई? हाँ, चलता है। चलता है, बंद हो जाता है तो सर को बोलने पे चल जाता है, मतलब चल जाता है बोलने पे, फिर चल जाता है ना। तो और माहौल कैसा है यहाँ का, अगर वातावरण देखा जाए, क्लाइमेट देखा जाए, अगल बगल लोगों का बातचीत करने का तरीका, या शांति है कि नहीं? वो है मैम, इस फ्लोर पे, जिस फ्लोर पे हम लोग रहते हैं यहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ है, बाकी फ्लोर पे तो हम लोग को नहीं पता। ओके, तो आप रिकमेंड करना चाहेंगे आने वाले किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर आना चाहिए या नहीं? एक बार आके आप देख लो, मेरे लिए तो ओके, बाकी उन सब के लिए हाँ, एक बार आके चेक कर लो, मेरे लिए ठीक है। ओके, थैंक यू। इसीलिए मैं अप्रैल से हूँ। अच्छा अच्छा, ये सिंगल है क्या? सिंगल रूम है? सिंगल है। कब से रह रहे हैं आप?
अरे वो नहीं हो गया। वैसे आपका नाम क्या हुआ? सौरभ कुमार। सौरभ कुमार, कहाँ के वैसे आप रहने वाले हैं? मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, इस हॉस्टल के बारे में थोड़ा बहुत रिव्यू दीजिए। मैम कैसी हैं? खाना पीना कैसा मिलता है? सब कुछ अच्छा मैम। सब कुछ अच्छा है। अभी आप यहाँ पर कंटिन्यू रहने वाले हैं? यस मैम। और तैयारी किस चीज़ की चल रही है? नीट की। नीट की तैयारी चल रही है, मतलब ठीक है, बढ़िया। सभी लोग नीट वीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, यही सारा कुछ चल रहा है। तो अच्छा, आने वाले कुछ स्टूडेंट्स को आप बोलना चाहेंगे कि एक बार यहाँ पर आना चाहिए या नहीं? यस मैम, आना चाहिए एक बार। आना चाहिए, हॉस्टल है, सब कुछ अच्छा मिलता है। सब कुछ अच्छा मिलता है। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम राहुल गैरवी है। कहाँ के रहने वाले हैं वैसे? मुजफ्फरपुर से। कितने टाइम से यहाँ रह रहे हैं? मेरा 2 महीने से ज्यादा हो गया। अच्छा अच्छा, तो अभी आप यहाँ कंटिन्यू होने वाले हैं? कंटिन्यू। तैयारी किस चीज़ की चल रही है आपकी? बीपीएससी की चल रही है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि इस हॉस्टल की रिव्यू दीजिए 1-2 लाइन में, तो क्या कहना चाहिएगा? परफेक्ट रहने के लिए, स्टूडेंट के लिए सारी चीज़ें मिलती हैं, लाइट है 24 घंटे, और अच्छी पानी मिलती है, पानी की सुविधा अच्छी है, खाना भी ठीक ठाक मिलता है। खाना टाइम पर मिलता है, क्योंकि खाना बहुत मैटर करता है स्टूडेंट के लिए, खास करके स्टूडेंट के लिए जो बैचलर रहते हैं बाहर। 2 महीनों में मुझे इतना जो पता है कि खाना तो ठीक ठाक मिला है मुझे, खाना ठीक ठाक, तो इससे ज़्यादा कह सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। के स्टूडेंट के लिए तो जो भी चीज़ यहाँ पर चाहिए होता है हम लोग बातचीत करके पता कर ही लिए, वो तो ठीक है, बट आपको साथ में ना यहाँ पर बालकनी भी मिल जाती है। मतलब होता है ना, पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा आपका मन वो हो रहा है कि भाई अभी थोड़ा बहुत बाहर निकलते, बाहर का नज़ारा देखते, तो यहाँ पर आप आ सकते हो। यहाँ से एक आपको अच्छा सा नज़ारा मिल जाता है, चाय वाय पियो, तो ये ठीक है। आई थिंक कुछ ऐसा भी होना चाहिए, तो बालकनी भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। अभी तो हम जिस रूम में भी गए हैं, सभी जगह पर कुछ लोग हैं जो कि क्लास गए हैं, कुछ लोग हैं जो कि रेस्ट कर रहे हैं खाना पीना वगैरह खाकर। अभी ये थोड़ा पसीने पसीने लग रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं आप? क्लास से आ रहे हैं। हाँ, पता चल रहा है कि हाँ ये क्लास से आ रहे हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा मतलब थके हुए ऐसा आपको फील हो रहा है देखकर। क्या नाम हुआ आपका? सिद्धार्थ। कहाँ के रहने वाले हैं वैसे आप? गया। गया के रहने वाले हैं। कहाँ से क्लास करके अभी आप आ रहे हैं? गोल। अच्छा, गोल से आप आ रहे हैं क्लास करके। कितने टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं आप? 6-7 महीना। 6-7 महीने से रह रहे हैं। क्या लगता है, रिव्यू क्या देना चाहेंगे आप इस हॉस्टल के बारे में? अच्छा है। अच्छा है। हाँ। खाना पीना अच्छा है। कितने टाइम मिल जाता है? 3 टाइम। 3 टाइम मिल जाता है। मैम का बिहेवियर अच्छा है? अच्छा है। वार्डन का बिहेवियर अच्छा है? ठीक है, थैंक यू। अच्छा है, ठीक है, थैंक यू, सब बढ़िया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रिपल बेड है, एंड एक हम लोग को ऐसे ही मिल गया जो कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं। वैसे एक से भी हम लोग और बात किए थे। क्या नाम हुआ आपका? सौरभ कुमार। कहाँ के आप रहने वाले हैं? गया जिला। गया जिला के रहने वाले हैं। और यहाँ पर कब आए आप? 2 साल होने जा रहा है। अच्छा, आपको कौन बताया यहाँ के बारे में? मैम इधर से जा रहे थे, बहुत हॉस्टल देखे, लेकिन मतलब वैसा कंफर्टेबल नहीं मिला, बट यहाँ पे आए तो फैमिली जैसा सब यहाँ पे मिले। पहले ट्रायल के लिए रहे थे 10 दिन। अच्छा, ट्रायल के लिए सर बोले थे कि 10 दिन रह लो, अगर नहीं आया सही नहीं लगा तो यहाँ से पैसा रिफंड हो जाएगा। अच्छा अच्छा। लेकिन फिर जब यहाँ पे रहने लगे तो पहली बार घर से बाहर आए थे, फिर यहाँ पे कम्फर्ट हो गए। अच्छा। फिर पापा को बोल दिए कि यहाँ पे यहीं पे रहेंगे हम। अच्छा, ऐसा। उसके बाद आप कंटिन्यू यहाँ पर हैं, लगता है अभी आगे भी कंटिन्यू होने वाले हैं? जी मैम, जब तक मेरा कोर्स नहीं कंप्लीट। वैसे तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं? नीट। नीट की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तब तो आपके लिए सही जगह है, जैसा आप बता रहे हैं। स्टूडेंट खुद से ही मतलब अनुभव करता है कि हमको रहना कहाँ पर है ना, क्योंकि घर से पहली बार बाहर आए थे। आप पहली बार बाहर आए थे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आपकी नीट क्लियर हो जाए तो ये बनाएंगे। थैंक यू सो मच। आप देख सकते हो ऊपर में सीसीटीवी वगैरह लगा हुआ है, तो ये फैसिलिटीज वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाती है। अगर सेफ्टी की बात करें तो ये सब रहना जरूरी है। कि खाना यहाँ पर टेस्ट वगैरह कैसा रहता है? बहुत बढ़िया रहता है। और हाइजीनिक रहता है? हाँ बिल्कुल हाइजीनिक रहता है ना जी। तो कब से आप रह रहे हैं हॉस्टल में? यहाँ तो हमें हो गया लगभग 6 महीना। 6 महीने से आप रह रहे हैं, अभी कंटिन्यू है यहाँ पर अपना जी। ठीक है, तो हमारे आने वाले कुछ स्टूडेंट्स को कहना चाहते हैं कि यहाँ पर आना चाहिए कि नहीं एक बारी? बिल्कुल आना चाहिए, बहुत अच्छा हॉस्टल है। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर देखी जाए तो हम सारा का सारा मतलब डिटेल आपके सामने ले ही आए हैं, और बाकी तो अगर आपको कुछ भी पता करना हो, इंक्वायरी करना हो, यहाँ पर एडमिशन वगैरह लेना हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जा सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह की वीडियोस हम लाते रहेंगे, पटना में अलग अलग हॉस्टल में जाएंगे, गर्ल्स हो बॉयज हो सभी के लिए हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।